हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं नवल और आप देख रहे हैं स्टार दर्शन टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ऐसी चार चीज़ें जो इंटरनेट पर आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप वो चार काम करते हैं इंटरनेट पर तो हो सकता है आपको जेल जाना पड़ जाए। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पहला काम है इंटरनेट पर आपको कभी भी ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। यानी दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं यानी अपमानजनक भाषा का यूज़ करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो इंटरनेट पर ऑफेंसिव लैंग्वेज जो है कैसे यूज़ करते हैं, मान लीजिए दोस्तों आपने कोई पोस्ट की है फेसबुक पे जिसमें आप किसी को कुछ टारगेट करके कुछ लिख रहे हैं, गंदी गालियां लिख रहे हैं या फिर किसी का अपमान कर रहे हैं। अगर आपने यूट्यूब पे किसी के वीडियो देखा है, उसके वीडियो पर आप नीचे जाके कुछ गालियों का यूज़ कर रहे हैं, तो या फिर दोस्तों किसी भी सोशल साइट यानी इंटरनेट पर आप गाली का या फिर किसी को अपमानित कर रहे हैं, आपने कोई ऐसा वीडियो बना दिया है जिससे कि सामने वाला जो है अपमान महसूस कर रहा है, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, दूसरा काम है इंटरनेट पर कभी भी साइबर बुलिंग ना करें। साइबर बुलिंग क्या होती है, मान लीजिए आपने किसी का कोई पर्सनल फोटो ले लिया, आपने किसी का कोई न्यूड फोटो ले लिया या फिर किसी के नहाते हुए का वीडियो बना लिया हो तो उसको आप इंटरनेट पर डाल रहे हैं या फिर किसी को व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं या कहीं पे भी इंटरनेट पर आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर भी जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये काम इंटरनेट पर वर्जित है। फ्रेंड्स, जो तीसरी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो है चाइल्ड फोटो के बारे में। दोस्तों, आप कभी भी किसी चाइल्ड का न्यूड फोटो इंटरनेट पर ना डालें और ना ही उसको शेयर करें। ऐसा करने से वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कैटेगरी में आता है और ऐसे में आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ध्यान रखें, कभी भी किसी चाइल्ड का फोटो आप ना तो शेयर करें और ना ही उसको पब्लिश करें यानी किसी भी सोशल साइट पर उसको डालें। फ्रेंड्स, जो चौथी बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप हमेशा अपने मोबाइल के वाईफाई और हॉटस्पॉट में पासवर्ड लगा के रखें। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस पर हैं या आप कहीं बाहर हैं या कहीं पर भी हैं और आपका हॉटस्पॉट ऑन है, ऐसे में अगर किसी ने आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके इंटरनेट से कोई क्राइम कर दिया, किसी का बैंक हैक कर लिया या किसी की आईडी हैक कर ली या फिर कोई भी क्राइम कर दिया, जो कि आप जान सकते हैं इंटरनेट से कितने तरह के क्राइम हो सकते हैं, अगर वो उसने कर लिया तो उसके सबसे पहले भागीदार आप होंगे, क्योंकि आपकी ही हॉटस्पॉट से इंटरनेट से वो क्राइम हुआ है। ऐसे में दोस्तों, जो पुलिस केस बनेगा उसमें सबसे पहले आपका नाम आएगा, क्योंकि आपने अपने इंटरनेट से उसको इजाजत दी है वो क्राइम करने के लिए। तो दोस्तों, आप कभी भी अपने हॉटस्पॉट को बिना पासवर्ड के ना रखें और पासवर्ड ऐसा लगा के रखें जो कोई अनुमान ही ना लगा सके। तो फ्रेंड, मैंने आपको आज ये चार तरीके बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो हमेशा के लिए आप सेफ बने रहेंगे, और अगर आपने इन चीज़ों को अवॉइड कर दिया, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है आपको जेल जाना पड़ जाए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जेल जाना ही पड़ेगा, हो सकता है कि आपको पड़ जाए, क्योंकि ये एक क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रेंड, मेरा काम था आपको अवेयर करना, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।